नमस्कार बच्चों, क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए हमने जो बच्चों पिछला जो आपका टॉपिक आपको पढ़ाया था वो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और सेल की जो बहुत सारी ऑर्गनलीज है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि उनका क्या स्ट्रक्चर है और क्या फंक्शन है। ठीक है, अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है ये मिलके क्या बनाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। ठीक है, अब वो जो टिश्यू है मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स का बना है, तो प्लांट टिश्यू होगा और एनिमल टिश्यू होगा। प्लांट्स में प्लांट टिश्यू है और एनिमल्स में एनिमल टिश्यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास नाइन्थ का वो है टिश्यू, प्लांट टिश्यू। तो जहां तक प्लांट टिश्यू की बात है बच्चों, ग्रुप ऑफ सेल्स का ही बना ये भी, और प्लांट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू जो है वो दो हिस्सों में बटा है, मतलब उसकी जो डिवीजन है वो दो हिसाब से है। एक को बोलते हैं हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसको हम मेरिस्टम्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में क्या क्वालिटी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन है। सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इनके सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन है, ठीक है, एबिलिटी टू ग्रो। और ये जो अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर रहे हैं और दूसरा परमानेंट है, इसके सेल्स में पावर ऑफ डिवीजन है, और परमानेंट टिश्यू में क्या है, दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन, उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इसको हमने दूसरा नाम दिया मेरिस्टम। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता कैसा है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जहां तक बात है बच्चों, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, मैं आपके सामने थोड़ा इधर ड्रा करता हूं, ये एक मैंने आपके पास स्ट्रक्चर बनाया, ये कोई है, कोई प्लांट बॉडी है। तो इसमें जो टिप्स हैं ये होता है आपका एपिकल, ठीक है बच्चों, और जहां से नोड्स या बड्स अराइज होते हैं ये वाला जो पोर्शन है, तो इसको बोलेंगे हम इंटरकैलरी, और जो ये वाला है इसको बोलते हैं हम लेटरल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो तीन टाइप्स का है। कितने टाइप्स का है, तीन टाइप्स का है। कौन कौन सा, एक है हमारा एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब एपिकल की बात करेंगे। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो होता है बच्चों, चाहे वो रूट है चाहे वो स्टेम है, जैसे हम एक प्लांट की बात करते हैं, ये आपके पास एक प्लांट है, ये प्लांट्स की रूट्स हैं, ये प्लांट्स के लीफ हैं, और ये मान लो फ्लावर है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, दो सिस्टम होते हैं, ये सॉइल है, तो ये आपकी नीचे जो है ये रूट्स है, तो एक बिलो द ग्राउंड पोर्शन है दैट इज रूट सिस्टम, एक अबव द ग्राउंड पोर्शन है दैट इज शूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम है उसके आपके लीव्स स्टेम फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह जो है वो अबव द ग्राउंड पार्ट में है, जिसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। और जहां तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात है, ये मैंने बताया आपको कि तीन में डिवाइड है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब जो एपिकल मेरिस्टम है ये रूट और स्टेम की टिप्स पे होता है। ठीक है, अब रूट की टिप तो ये वाली हो गई और स्टेम की टिप तो ये वाली हो गई, इसका मतलब ये इन जगहों पर प्रेजेंट है। तो इन जगहों पर प्रेजेंट होने का फंक्शन क्या है कि ये ग्रोथ में मदद करता है, रूट और स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेंगे इसके सेल्स। और दूसरा जो है आपका लेटरल मेरिस्टम। अब लेटरल मेरिस्टम जो है, अब डाइकॉट के केस में देखिए, दो जब हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं तो एक डाइकॉट प्लांट बोलते हैं, मोनोकॉट प्लांट बोलते हैं, या डाइकॉट लीफ मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम। तो डाइकॉट, ये जो लेटरल मेरिस्टम है ये डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम में होता है। अब ये डाइकॉट की बात चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको इधर बताऊं कि डाइकॉट में क्या होता है बच्चों, डाई मींस दो,
ठीक है। अगर हम डाइकार्ड और मोनोकार्ड की बात करते हैं तो डाइकार्ड और मोनोकार्ड में मैं इधर ही आपको थोड़ा बता दूं कि डाइकार्ड में अगर हम लीफ का डिफरेंस देखें बच्चों, तो डाइकार्ड के केस में क्या होगा, ये लेमिना है, ये मिडरिप है और ये जो दिख रही है आपको ये वेन्स है, ठीक है। अब ये जो दिख रही है ये वेन्स है, ये वाली, ये जो ग्रीन ग्रीन है ये वेन्स है। और आप जब मोनोकार्ड लीफ की बात करेंगे तो मोनोकार्ड लीफ में ऐसी वाली है। आपने अपने इर्द गिर्द अपने आस पास आप देखते रहते हो, जैसे राइस है, मेज है, उसके लीफ आपको इस तरीके के नजर आएंगे, मीन्स इसमें वेन्स जो है वो पैरेलल है। वेन्स कैसी है, पैरेलल है, और इसमें वेन्स कैसी है, रेटिकुलेट है, ठीक है, रेटिकुलेट है, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस डाइकार्ट और मोनोकार्ट का क्या है, जो डाइकार्ट है बच्चों उसका जो सीड है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, जैसे राजमा है, दाले हैं, वो दो हिस्सों में। अगर आप चावल का दाना, राइस इसको बोलते हो, या मक्की का दाना, मेज बोलते हो, वो दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होता और वो मोनोकार्ट है। ये दो डिफरेंस हो गए। अगर तीसरा डिफरेंस इसका करना है तो जो फ्लावर होता है डाइकार्ट का, वो या तो उसकी पेटल्स फाइव या मल्टीपल्स ऑफ फाइव होती है, और अगर मोनोकार्ड की बात करेंगे उसके पेटल्स जो हैं फ्लावर में वो थ्री या मल्टीपल्स ऑफ थ्री है। तो कहने का मतलब ये है कि एपिकल मेरिस्टम जो है वो रूट और शूट की टिप्स पे होता है, ठीक है, और लेटरल मेरिस्टम जो है वो डाइकार्ट में रूट और स्टेम के, मतलब बार्क, जो स्टेम होती है ना, स्टेम प्लांट की स्टेम है, इसकी जो बार्क है इसके अंदर होता है, ठीक है। और जो इंटर गैलरी मेरिस्टम है, जब मैंने आपको मेरिस्टम जहां से नोड्स या बड्स ब्रांचेस अराइज हो रही हैं, तो जहां से एक स्टेम ही पोर्शन है प्लांट का जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, तो इंटर गैलरी मेरिस्टम जो है ये वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका मेरिस्टमैटिक टिश्यू। मेरिस्टमैटिक टिश्यू की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि इसके सेल्स में पावर ऑफ डिविजन होती है, दे हैव एबिलिटी टू ग्रो, और ये तीन टाइप्स का है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। इसकी आपने डायग्राम बनानी जो मैंने पहले बनाई। अब बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। तो परमानेंट टिश्यू की जो मेन बात मैंने बोली, दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिविजन, लॉस पावर ऑफ डिविजन, ठीक है। तो बच्चों जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू की खासियत क्या है कि इसके सेल जो है दे हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिविजन, और ये दो हिस्सों में डिवाइड है, दो इसकी टाइप्स हैं, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक है जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, एक सिंपल है और दूसरा जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है बच्चों, इसका एक फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्टिव नेचर का है। किस नेचर का है, प्रोटेक्टिव नेचर का, सपोर्टिंग नेचर का है, ये प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके जो सेल्स हैं वो सिंगल टाइप है। सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोटेक्टिव इन नेचर, सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करता है, और साथ में इसके जो सेल्स की टाइप है सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। वेयर एज जहां तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात है, इसके जो सेल्स हैं वो कंडक्टिंग नेचर के हैं और मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए, ठीक है। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो तीन टाइप्स का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और जहां तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात है, वो दो टाइप्स में बटा है, वन इज जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम। तो अब हमने इनको विस्तार से पढ़ना है कि पैरेन्काइमा क्या है, पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं, इसका फंक्शन क्या है, कोलेन्काइमा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने। हाँ तो बच्चों, हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू और मैंने दूसरा बोला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप्स का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जहां तक पैरेन्काइमा की बात है, जो पैरेन्काइमा है इसकी बात है, तो पैरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं, तो बच्चों देखिए ये इस टाइप के सेल्स हैं पैरेन्काइमा टिश्यू के। इन सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि पैरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर
इंटरसेलुलर स्पेसीज जो है वो प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेसीज इनमें प्रेजेंट है। दूसरा, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये पाए जाते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू जो है। और ये प्लांट्स के किन पार्ट्स में पाए जाते हैं? रूट और स्टेम, वहां पे ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने में मदद करते हैं। इनके सेल्स की जहां तक शेप है तो ये थिन वॉल्ड है और वेरी करते हैं शेप्स में फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, ठीक है। और बात रही पैरेन्काइमा टिश्यू की, तो पैरेन्काइमा टिश्यू में हर एक सेल्स में अपना न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और वैक्यूल है। वैक्यूल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस, दैट मींस स्पेसेस बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है, जैसे ये स्पेस आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये प्रेजेंट होती है। अब पैरेन्काइमा के सेल्स में कई बार, पैरेन्काइमा के सेल्स में क्लोरोफिल पाई जाती है, पैरेन्काइमा के सेल्स में कई बार क्या होता है, क्लोरोफिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और जिन सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उन सेल्स को बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा। कुछ सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो इन सेल्स को, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उन सेल्स को क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अब अगर पैरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में, तो एक्वेटिक प्लांट्स कौन से हैं बच्चों? एक्वेटिक प्लांट वो प्लांट है जो पानी में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अगर एक्वेटिक प्लांट का जो पैरेन्काइमा है उसको हम बोलते हैं एरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स का जो पैरेन्काइमा है उसको बोलते हैं हम एरेन्काइमा, ठीक है। और एरेन्काइमा का जो मतलब पैरेन्काइमा या एक्वेटिक प्लांट का एरेन्काइमा, ये फ्लोटिंग में, क्योंकि आपको पता है कि जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते हैं, ठीक है ना, उनके लीव्स वगैरह जो है वो उस पे, तो ये उसकी बायोवेंसी को जो है उसमें मदद करते हैं, ठीक है। तो ये बात थी आपकी पैरेन्काइमा की। और अब आते हैं हम कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो वो सेकंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू की है। और कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा में अगर अंतर की बात करेंगे तो इसमें भी इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, लेकिन लेस, वेरी फ्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस आर फाउंड इन कोलेन्काइमा। और सबसे दूसरी बात यह है कि इसके सेल्स लॉन्गर होते हैं एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा। और दूसरा, ये प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। अब देखिए, प्लांट्स के पार्ट्स बेंड होते हैं, कई बार स्टेम बेंड हो जाती है और फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आती है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कोलेन्काइमा, ठीक है। इसके सेल्स लॉन्गर है देन पैरेन्काइमा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को। और अगर क्लोरोप्लास्ट कोलेन्काइमा सेल्स के अंदर है, अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो वो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोलेन्काइमा जो है वो रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को, ठीक है। अब ये देखिए, इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और इन सेल्स में वैक्यूल है, न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो बात थी पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा की। अब बात करते हैं हम, तो बच्चों थर्ड टाइप जो सिंपल परमानेंट टिश्यू की है वो है स्क्लेरेन्काइमा। इसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा। और ये सेल्स है स्क्लेरेन्काइमा के। अब डिफरेंस क्या है मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्क्लेरेन्काइमा की है कि इसके जो सेल्स हैं वो एक तो थिक वॉल्ड है, मतलब ये जो सेल्स हैं ये थिक वॉल्ड है, थिक वॉल्ड सेल्स है, ठीक है बच्चों। इसकी जो सेल्स हैं वो थिक वॉल्ड है और मोस्ट ऑफ द सेल्स इसके डेड हैं, ठीक है। क्यों डेड है? क्योंकि उनके सेल्स में लिग्निन की डिपोजिशन है। किसकी डिपोजिशन है? लिग्निन की। और होते कैसे हैं सेल्स? लॉन्ग, नैरो या थिकल, ठीक है। और लिग्निन की इसमें डिपोजिशन है और इसका मेन फंक्शन जो है एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट बॉडी को, ठीक है। और ये देखिए, ये सेल्स हैं जो इसके हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें अब्सेंट है। जो मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है पैरेन्काइमा में,
फ्लू है, बहुत कम है कोलन काइमा में, और बिल्कुल ही नहीं है, मतलब एब्सेंट है स्क्लेरम काइमा में। तो ये था बच्चों आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू की टाइप है। अब हमारा जो दूसरा वीडियो होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसपे मैंने बोला आपको कि वो जाइलम और फ्लोएम है, वो भी चार चार सेल्स का बना है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा। आपने इसको लाइक करना है और शेयर करना, और आप अपने जो है वो कमेंट्स भी दे सकते हैं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा।